आया रास्ता, अरे ये रास्ता है ना पक्का। वो अतुल भाई गुजर चुके हैं, पूरा लाइव आपको दिखा है। कमेंट बताइए आपको कैसा लगा घूमने का साइड। सेकंड टाइम ये रिकॉर्ड हो गया, यस रिकॉर्ड हो गया। बात सुनो जी सर, कैंप में जाओगे या वापस जाओगे बोलो। चलो चलो सर, घर पर शादी है। घर पर इधर से बंद है, बाहर वाले बंदे को जाने नहीं। आपका घर कहाँ है? हम दिल्ली से आ रखे अभी, तो बस दिल्ली, इधर तो दूर है देश। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग फ्रीक इरशाद अली। और एग्जैक्ट मिडनाइट 12 बजे कुतुब मीनार से हम निकले थे, और रात को हम इसलिए निकले क्योंकि रात को ट्रैफिक कम होता है, दिन में हमें काम था। तो फिलहाल अभी मैं और दिल भाई, हम दोनों का प्लान है लद्दाख जाने का। तो आर यू एक्साइटेड? बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सो गाइज गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 1:50 AM। कितना कवर कर लिया हमने? 110 किलोमीटर्स हमने वन स्ट्रेच में कवर करा। एंड ये प्लेस का क्या नाम है? वो तो दुकान का नाम है भाई। जगह का नाम क्या है, कौन सा जगह है ये? पानीपत। पानीपत बढ़िया, पानीपत आ गया। पानीपत से आ गया क्या? अच्छा पानीपत से आ गया। ये टूल टैक्स है पानीपत, बाहर कर दिया। तो बेसिकली हमने पानीपत क्रॉस कर दिया है। कौन से कौन से अभी 190 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, मतलब 110 में थे। हम ब्रेक लेता हमने चाहिए था, और अभी यहाँ पर है इसलिए क्योंकि दिल भैया के गाड़ी में भर रहा पेट्रोल, और यहाँ पर बहुत बारिश भी हो रही है। यहाँ पर मौसम अच्छा हो गया, बट यह है कि ये सब उतारना पड़ेगा और रेन कवर्स करना पड़ेगा। रेन कवर्स है इस बैग में, तो फिर थोड़ा खोलना पड़ेगा और चलो निकालते हैं इसे और शुरू करते हैं अपना रेन कोट पहनना। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दरअसल बात ऐसी हुई कि हमें यहाँ से लेना था लेफ़्ट टर्न, और हमने ले लिया राइट टर्न। और राइट टर्न लेने का प्रॉब्लम जो हुआ वो आप देखते रहिए। लद्दाख राइड में निकले हैं, और राइड में एडवेंचर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। ये है ना रास्ता, अरे ये रास्ता है ना पक्का। वो इनका मेन रास्ता है क्या? तो बस अब होना क्या था, हमने ऑन करा गूगल मैप, गाँव के थ्रू होते होते गए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। बस यही एडवेंचर हमारा चल रहा था अर्ली मॉर्निंग में। बाकी आप देखते रहिए क्या होते आगे आगे। पक्का इसी रास्ते से आना? अरे 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 बताओ क्या। तो दिल भाई गुजर चुके हैं, पूरा लाइव आपको दिखा है। कमेंट बताइए आपको कैसा लगा घूमने का साइड। हाँ आऊँ मैं। इस रास्ते कोई और तो नहीं आएगा? इस रास्ते आना नहीं चाहिए था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो रुक चुका मैं। ये तो पूरा रास्ता चढ़े चढ़े वापस जा सकते हैं हम यहाँ से कहीं और? तो मेरे पैर ही पिछल रहा। स्लिप हो रहा पूरा।
भाई साहब अब आप ही बताओ करे तो करे क्या, पैर ही इतना फिसल रहा है तो गाड़ी को क्या ही संभाले। हिम्मत करके हम काफ़ी आगे तक गए थे इस रास्ते में, बट आगे जाके देखा तो और भी ज़्यादा मट्टी, और भी ज़्यादा स्लश, और भी ढेर सारा पानी। तो हमने डिसाइड करा वापस यू टर्न मारते हैं और वापस गांव की तरफ जाते हैं और हाईवे में जाके कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेंगे। थैंक गॉड यहीं से ऊपर चले। अच्छा बोलते आई विल शो यू द वे, फॉलो मी आई विल शो यू द वे। तो जैसे तैसे हम गांव से बाहर निकले और हाईवे रास्ता पकड़ लिया। वो जो शॉर्टकट था पता नहीं क्या गूगल मैप दिखा था, हम उसके नहीं जा रहे हैं, हम वापस अपने मेन रोड की तरफ आ गए हैं। अरे काम करो ना आप, खेतों के बीच से ले जाना, हम तो हमारा गाड़ी अपनी गाड़ी चलो, खेतों के बीच से ले जाना गाड़ी, हमारी बाइक होती है। चल 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 घुमा के चलते वापस। ठीक है, पहले मुझे ध्यान ही नहीं था कीचड़ वाला रास्ता, मैंने घुस गया अंदर, फिर बोला ओए ये क्या है पूरा कीचड़ है, और जो गाड़ी स्किड मारी है। चलो जम्मू जम्मू जाना है मुझे। तो सर जी मिल गया हमें हाईवे, बट हाईवे के साथ हमें मिला बहुत भयंकर ट्रैफिक। अब चलते आगे देखते हैं भाई ये ट्रैफिक किस वजह से लगा है। सेकंड टाइम ये रिकॉर्ड हो गया, यस रिकॉर्ड हो गया। मुझे लग रहा है क्योंकि वो साइड करा हल्का टक्कर खाया था। मुझे पता है मेरे गलती हुई है। हाँ ये ज़्यादा मस्त कर रहा है ये, कैसे बचाऊँ? मेरे ग्लव्स हैं उसमें। हाँ मेरे भी ग्लव्स। इसके तो पता देते ना? बस लो डन। सेकंड टाइम अरे चल जाते हैं यहाँ पर, वो ना मूर्ति समय ना साइड वाला जो पार्ट है ना जो बाहर निकल रहा वो लगा बस। मैं लूँ तो गाड़ी हम पानी में खेल रहे लोग बोले यार कल चेक करके आ रहे हैं। हाँ चलो लेफ्ट कर लो, लेफ्ट कर लेफ्ट एडिट करते लेफ्ट कर लेना। हाँ यहाँ पर साइड में जगह है ना, इधर कर लेते हैं। उस्ताद जी थोड़ा सा रुक जाओ, गुड मॉर्निंग पीपल। 6:35 है, हम है अभी रूपनगर में, चंडीगढ़ वगैरह सब चीज़ मोहाली वगैरह सब चीज़ क्रॉस करके रूपनगर आके अब हम अपना सेकंड ब्रेक ले रहे हैं। सुबह 12 बजे शुरू हुई था हमें मिड नाइट में, एंड देन अभी 6:35 AM और बुरी हालत हो रही है यार। लेयर्स देखो भयंकर, फिर रेनकोट भी पहनना पड़ता था क्योंकि बारिश रास्ते भर बारिश होते आ रही थी, है ना। बारिश ज़्यादा हो गया था तभी मैंने गोप्रो निकाल दिया था, उसके बाद फिर मोहाली वगैरह आया तो उधर भी मतलब मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि बारिश आ रहा है जा रहा है आ जा रहा है, उस टाइप से होता मतलब डिस्टेंस में ना लोकेशन चेंज हो रहा है, बारिश आ रहा है बारिश आ रहा है, उस टाइप से हो रहा था। बाकी अभी चाय आ गया है, चाय पीते हैं और फिर आगे जाएंगे, फिर वहाँ पर कहीं नाश्ता करेंगे प्रॉपर से। तो फिलहाल के लिए यही है, बाकी
हिसाब से। और कैसा लगा आपको दो बार गिर के? बहुत बढ़िया। तो ये रही अपनी चाय, ये चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाय, टेक केयर। फट गया मैंने ऑन गोप्रो। अरे यहाँ से लेफ्ट जाना था सर। चलो आगे आगे चलते, आगे चलते सबसे पूछते थे ये पंजाब वाले भाई इधर खड़े हैं। भाजी पठानकोट ओके थैंक ओके थैंक यू। आगे आगे हनुमान जी की मूर्ति आएगी, उससे भी आगे जाके आगे फिर चौंक आएगा, फिर राइट आगे मंदिर बनाओ। अच्छा ओके ठीक है थैंक यू। वो तो सही जा रही, मुझसे बोला तू गलती है मेरी, उससे समझता हूँ गाइस। जस्ट अभी अभी हमने अपना रेनकोट वगैरह पूरा निकाला, मेरे शूज़ के तो पूरे फॉलो रखे। ये शूज़ ज़्यादा गीला नहीं हुआ, बट दूसरा वाला लेफ्ट शूज़ है वो बहुत ज़्यादा गीला हुआ। सॉक्स भी गीले रखे, तो ये है कि हवा में चलते चलते सूख जाएगा, तो अभी हमने निकाल के रख दिया है। लो ट्रेन देखी नहीं कि रेस लगाने की पहली सोच ली मैंने। खैर कोई नहीं, घोड़े और ट्रेन की रेस कराते हैं, अब जीतना तो फिर भी घोड़े को ही है। एंड विदाउट एनी डिफ़िकल्टी हमारा घोड़ा ट्रेन से जीत चुका है आराम से। और यहाँ से है पठानकोट 50 किलोमीटर्स, जम्मू 160 किलोमीटर्स और श्रीनगर 459 किलोमीटर्स। और आराम से चलते चलते हमने क्रॉस करा ये छोटू सा माउंटेन एरिया और हम पहुँचे पठानकोट। पठानकोट को भी हमने आराम से करा क्रॉस और हम पहुँचे कथुआ। और दिन के बज गए थे 12:30, और क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा था तो वी स्टॉप्ड हियर फॉर अ क्विक ब्रंच। और इस ब्रंच के बाद 30 से 40 किलोमीटर हमने ड्राइव करा और हमें एक ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ा क्योंकि हमें आ रही भयंकर नींद। ऑलरेडी 12 आवर्स से ज़्यादा हो चुका था हमें घर से निकले हुए दिल्ली से, और अब तो थकान और नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था। हमारा प्लान तो था कि यहाँ से हम सीधा जम्मू जाएंगे और जम्मू से हम उधमपुर के लिए कटेंगे, पर जूस वाले भैया ने बताया कि आप आगे से राइट ले लेना, सीधा जाओगे तो जम्मू जाओगे, राइट लोगे तो डायरेक्ट आप उधमपुर जाओगे, और ये रास्ता आपको 2-3 आवर्स को बचाएगा आपका। तो बस हमें टाइम तो बचाना ही था, हमने लिया राइट और हम उधमपुर के ओर बढ़ने लगे। बहुत भयंकर डर थी, तो हमने आगे खीरे वाले भाई है उनसे लिया था और हमने खीरा खाया और अब हम निकल रहे थोड़ा सा रेस्ट करके। गाइस ये है मेल के धमपुर। लो हो गया एक बड़ा ट्रेजेडी, मेरी गाड़ी का पिछला टायर हो गया पंचर। हमें पुलिस वाले ने बोला कि रॉन्ग साइड जाके आगे तुम्हें पंचर का दुकान मिल जाएगा, वहाँ से ठीक करा लेना, क्योंकि हम लगभग 16 किलोमीटर से हम पंचर्ड टायर में चला रहे थे, बीच में जहाँ पर हवा वाला मिल रहा है हवा भरा रहे और चलते जा रहे हैं। तो जो टनल भी हमने क्रॉस करा
ये 10 किलोमीटर का टनल है, इससे पहले भी हमने 6 किलोमीटर चला और जस्ट टनल क्रॉस करने के बाद ही फिर हमें पुलिस ने सजेस्ट करा कि आप इस रास्ते से जाके रॉन्ग साइड जाके रास्ते से चल जाओ क्योंकि आगे यू टर्न बहुत लंबा पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पर गए, पहले तो पूरा सामान अच्छे से अनलोड करा, फिर गाड़ी को हमने खुद टिल्ट करा, फिर गाड़ी ठीक हुआ, पंचर लगा, जो कुछ भी हुआ। और यहाँ पर हमें लग गया लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटा हमें यहाँ पर आराम से लग गया क्योंकि काफ़ी बिजी थे और भी गाड़ियाँ आ रहे थे, तो पूरा करते करते लगभग 2 घंटा हमारा यहाँ पर वेस्ट हो गया। तो दोस्तों मेन उधमपुर तो हमने क्रॉस कर लिया बट इस टनल के बाद भी बनिहाल है यहाँ से 42-45 किलोमीटर दूर। तो इस पूरा स्ट्रेच में रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मिला हमें ट्रक्स का और बाकी गाड़ियों का और इसी वजह से हम थोड़ा हमारा स्पीड यहाँ पर स्लो। श्रीनगर आगे से राइट बंद कर देना। आगे से ठीक, ओके थैंक यू। दानियल तो आगे से बोलना। अरे सर जी श्रीनगर यहीं से, यहीं से ये भी जाते हैं उधर सीट ठीक रहेगा। दोनों श्रीनगर इधर नहीं है। अच्छा भाई ओ वो रोड चला गया ना वो देखो। अच्छा 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 ये यहाँ से जाना है पुल से। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है थैंक यू। और फाइनली बहुत लंबे स्ट्रेच के बाद हमें मिला ये प्रॉपर रोड। तो हमने अपना स्पीड बढ़ाया ताकि हम टाइम से श्रीनगर पहुंच पाए। काफ़ी अच्छा रास्ता था, अच्छे से कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला हमें और हम आगे की तरफ बढ़ते गए। बट आगे हमें ये नहीं पता था कि जब हम बनिहाल स्टेशन क्रॉस करेंगे, हम श्रीनगर एंटर करेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आगे तक देखिए कि हमें किसने रोका और क्यों रोका। कहाँ जा रहे जिगर? श्रीनगर। कहाँ से आ रहे हो? हम दोस्त की शादी है, परमिशन लेके आए सर, मना कर रहे थे ना वहाँ पर बनिहाल में, फिर अपने कॉल में बात करा के तब आए। हाँ जी सॉरी ब्रो, इधर लाग जी कैंप में बिठा सकते हैं जल्द से जल्द नाटा से। सुनो जी सर, कैंप में जाओगे या वापस जाओगे बोलो। चलो सर घर पर शादी है। घर पर इधर से बंद है, बाहर वाले बंदे को जाने नहीं। आपका घर कहाँ है? हम दिल्ली से आ रखे तो बस दिल्ली, इधर तो दूर है देश, इधर नहीं छोड़ेगा कोई। अगर कैंप में जाना है तो ठीक, नहीं तो वापस जाओ राम बोल। कैंप में, कैंप में इधर गाड़ी लगाओ तो इधर बाद में स्टार्ट छोड़ देगा। सिक्योरिटी रीजन के मुताबिक आगे नहीं जा सकते, आप गाड़ी रखो इधर, बाद में आपको स्कार्ट दे देंगे तो कैंप में ले जाएंगे। उधर फ्री बिस्तरा, फ्री खाना पीना, रात को रहना, सुबह चले जाएंगे। तो मतलब गाड़ी यहीं पर ही पार्क करना है, कैंप यहीं पर ही है और खाना पीना यहीं पर ही बोल रहे हैं। तो मतलब इनके साथ ये जो गाड़ी है ना, इन्हीं के साथ रखो, रात को सेफ रहोगे सर। ना आगे जाना सेफ आपके लिए ठीक नहीं है, हमें उनको थोड़ा मतलब है कि हमें रोकना है। जो बाहर के लोग हैं कुछ भी हो सकता है।
आरोपी नहीं है, सुबह आरोपी लगेगी छोड़ देंगे। इस वक्त रोड से आरोपी उठती है, आप लाइन में लगो, आप स्कूटी दे देंगे, आगे आगे ले जाएंगे, उधर रखो लाइन। चलो चलो भाई वहीं पर चलते, फिर देखते हैं। दो मैंने कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए ना कि हमारे सेफ्टी के लिए, तो गाइस ये टनल जो है ये बनी हाई टनल कुछ है और पता नहीं कितने किलोमीटर से ज़्यादा पूरा रिकॉर्ड करा है मैंने, तो फास्ट फॉरवर्ड करके डाल दूंगा। बट यहाँ पर ये हमें रुक रहे, बोल रहे कि हमें यहीं पर रुकना है, कैंप्स में लेके जाएंगे, खाना पीना नहाना धोना जो कुछ भी है वो यहीं पर ही करना है। तो पता नहीं हमें घर जाने नहीं दे रहे, हम श्रीनगर पहुँच गए, पर यहाँ से हमने ये कहा तो ये टर्न पकड़ा और हम श्रीनगर में आ चुके हैं, पर यहाँ से आगे अलाउ नहीं कर रहे, तो बाइक रुकने का पार्क कर दिया है, यहाँ पर हमने बाइक पार्क कर रखा है। बट लेट्स सी क्या होता है आगे। हाँ लोग तो छोड़ रहे हैं यहाँ से, आर्मी लोग हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं कैंप्स की तरफ। आज हमारा स्टे वहीं पर होगा कैंप्स में। और बनिहाल टनल क्रॉस करने के बाद लगभग 45 मिनट्स हम आर्मी वाले के साथ ही वहां पर खड़े थे, और फिर बाद में जाके हम सब को आर्मी वाले गाड़ी ने एस्कॉर्ट करा आर्मी कैंप में, जहां पर रात को आज हमें यहीं पर रुकना था। तो स्टे ट्यून्ड, कल आपको दिखाते हैं कि कहां पर हम आर्मी कैंप में रुके थे, कैसा जगह था, और नेक्स्ट डे हम कब निकले वहाँ से।